नमस्कार, मेट्रो सिटी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के इम्पोर्टेंट खबरों पर। आज सरकार व कई राज्यों के संबंध में खबरें हैं। पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि ट्रेन का किराया बढ़ने वाला है, इस संबंध में भी हम आपको जानकारी देंगे। कोरोना वायरस और वैक्सीन के विषय में भी अपडेट्स है। बर्ड फ्लू को लेकर भी कई इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हम आपको देंगे। इसके अलावा जी एडवांस एग्जाम, जी हाँ, जी एडवांस एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। जी एडवांस में अपियर कर रहे स्टूडेंट्स भी बने रहिए हमारे साथ। अर्नब गोस्वामी, टीआरपी फ्रॉड केस, पेट्रोल बजट और अन्य कई जरूरी बातें को भी हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों से। आप सभी ने सुना ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से खबर में है कि इंडियन रेलवे अपना किराया बढ़ाने जा रही है। इस विषय पे बात करते हुए भारतीय रेलवे ने कुछ दिन पहले उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाए जाने का जिक्र था। रेलवे ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, ये अगली खबर आपको चौंका देगी। ये खबर कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया ना जाने कब से कोरोना के वैक्सीनेशन का इंतजार कर रही थी, पर अब जब वैक्सीन फाइनली आ गया है और अप्रूव भी हो गया है, तो ऐसे में एक सर्वे से पता चला है कि 69% भारतीय, 69% इंडियंस वैक्सीन नहीं लगाना चाहते। जी हाँ, 69% इंडियंस वैक्सीन को लगाने से इनकार कर रहे हैं या फिर हिचकिचा रहे हैं। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा चुका है। टीकाकरण की तैयारियां भी तेजी से शुरू हो चुकी है। इस बीच वैक्सीन के अप्रूवल पर आपत्ति भी जताई जा चुकी है, तो दूसरी ओर इसको लेकर राजनीति भी जारी है। वैसे तो वैक्सीन को लेकर राजनीति भी जारी है, लेकिन आम लोगों में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं देखने को मिल रही है। एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि 69% भारतीय वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे। इस सर्वे में लोगों की हिचकिचाहट की वजह भी सामने आई है। बता दें कि देश के 125 शहरों में कोरोना वैक्सीन का ड्राइव रन हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि हफ्ते भर के अंदर टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी हो सकती है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने में लोगों की हिचकिचाहट सामने आना बहुत ही चौंकाने वाला विषय है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इस विषय में क्या सोचना है, वैक्सीन के विषय में आपकी क्या राय है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर, जो कि आम जनता के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप गाड़ियां चलाते हैं और पेट्रोल खरीदते हैं, अगर आप पेट्रोल यूज करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसे देखिएगा। दुनिया में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल महंगा हो सकता है। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है। आपको बता दें कि दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब के उत्पादन में बड़ी कटौती करने के लिए राजी होने से वैश्विक बाजार में तेल के दाम में जोरदार तेजी आई है। इसी के चलते कच्चे तेल की कीमतें 10 महीने से ज्यादा समय के ऊंचे स्तर पर चली गई है। बाजार के जानकारों का मानना है कि महंगे होते कच्चे तेल और इन कारणों से इस महीने पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर तक जा सकती है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। पहले से ही हम कोरोना से परेशान थे, पर अब बर्ड फ्लू भी आ चुका है। तो आपको बता दें कि मुर्गियों, कौओं, कबूतर, बतख के बाद अब कोयल में भी बर्ड फ्लू मिला है। कोयल को भी बर्ड फ्लू ने अपना शिकार बनाया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है दोस्तों कि अभी तक इस वायरस से किसी इंसान के संक्रमित होने की खबर नहीं आई है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पे, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है। जी हाँ, बजट की बात कर रहे हैं। देश के आम बजट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वही 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश होगा। CCPA की ओर से बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, तो वही दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक बुलाने की सिफारिश की गई है। अगली खबर है सी प्लेन के बारे में। आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही भारत में पहला सी प्लेन को इनॉग्रेट किया गया था। सी प्लेन को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के अंतर्गत लाया जाएगा। सी प्लेन को सरकार दूसरे रूट्स पर भी शुरू करने की सोच रही है। केंद्र सरकार 2021 में कई सारे शहरों में सी प्लेन सेवा को शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने अपना नया मास्टर प्लान भी बना लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की भारत में कम से कम 100 सी प्लेन शुरू करने की योजना है। शुरुआती दौर में देश की करीब 111 नदियों का हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल होगा। सरकार के संबंध से सटी करीब 11,000 किलोमीटर सीमाओं से हवाई सफर शुरू करने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि सी प्लेन हर शहर और हर गांव में पहुंचे।
अगली खबर गेम्स लवर्स के लिए है। एक बुरी खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने मोबाइल गेम्स को बंद करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट अपने मोबाइल गेम को बंद करने जा रहा है। देश में पिछले साल पबजी पर बैन लगने के बाद अब एक खबर ये आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। कंपनी ने अपने एक पॉपुलर वीडियो गेम को बंद करने का फैसला किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट अपने माइनक्राफ्ट अर्थ मोबाइल गेम को 30 जून को बंद कर देगा। ये गेम फ्री मूवमेंट और गेम के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ये दोनों चीजें कोविड-19 के दौरान संभव नहीं है, इसी के चलते माइक्रोसॉफ्ट ने ये फैसला लिया है। ऐसे ही तमाम अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलिए। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।